Welcome to our full syllabus channel. Today I am going to start vitamins. In the previous video I have discussed about the terpenoids and carotenoids. But today we will study about the vitamins. सबसे पहले क्या vitamins को हम दो में divide करते हैं. First one is the fat soluble vitamin and second one is the water soluble vitamin. In the fat soluble vitamin we have to study about the A, D, E, K, and in the water soluble vitamin we have to study about the B and vitamin B complex and vitamin C. Obviously, about the fat soluble vitamin, it means ki they have unsaturated carbon chain. Yeah, you can say hydrocarbon chain. That's why they are non-polar and they are not soluble in the water. We will discuss it later one by one. But today I am going to discuss only vitamin A. Okay. Last video में मैंने आपको बताया था carotenoids के बारे में कि carotenoids is mainly from the it comes from the terpenoids. And in carotenoids, we have studied about the carotene and xanthophyll. अगर आपने नहीं पढ़ा तो last video में आप देख लेना. Carotene and xanthophyll में मैंने आपको बताया था कि carotene में आपके कुछ provitamins होते हैं. Provitamins की वो इनकी capacity होती है, capability होती है कि ये vitamin A में change हो सकते हैं. They are the provitamin A. उसमें से क्या था आपका alpha carotene, beta carotene and gamma carotene. ठीक है? ये तीनों प्रोविटामिन ए थे. सब ज़ैंथोफिल में भी आपके कुछ ऐसे हैं जो कि प्रोविटामिन ए हैं. ठीक. अब अल्फा बीटा गामा कैरोटीन ये कैसे प्रोविटामिन ए हैं और कैसे ये चेंज होते हैं वी विल डिस्कस हियर. नाउ विटामिन ए में हमें पढ़ना क्या क्या है. एक तो इसका साइंटिफिक नेम इट इज नोन एज रेटिनॉल. एज द नेम सजेस्ट रेटिनॉल आपका इसका मतलब चलो ये मैं बाद में बताऊँगा लेकिन अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि ऑल तभी लगता है जब आपका फंक्शनल ग्रुप क्या हो OH. ठीक. इस विटामिन ए में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑकरेंस एंड द फंक्शन स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन सिंथेसिस एंड केमिस्ट्री ऑफ विजन. गाइस दिस थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मतलब MSc BSc में और आपके कहीं भी नेट में गेट में इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके. तो सबसे पहले आई विल डिस्कस अकरेंस. अकरेंस ये मैंने पिछले भी आपके कैरोटीनॉइड्स में बताया हुआ है कि जितने भी आपके येलो ऑरेंज एंड डार्क कलर की जितने भी आपके वेजिटेबल्स होते हैं उसके में ये पाए जाते हैं जैसे कैरेट ब्रोकली स्वीट पोटैटो पम्पकिन एक्सेट्रा. फंक्शंस भी मैंने आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है. इट दे आर द इम्यून बूस्टर गुड विजन एंटी एजिंग. एंटी एजिंग का मैंने बताया था कि एंटी एजिंग जो भी होते हैं दे आर द एंटीऑक्सीडेंट. एंटीऑक्सीडेंट इट मींस कि वो रेडिकल स्कैवेंजर होते हैं. अपनी बॉडी में जो रेडिकल बनता है वही अपने सेल को क्या करता है डिस्ट्रॉय करता है तो उसको क्या करते हैं ये इनगल्प करते हैं. दे आर द रेडिकल स्कैवेंजर एंड प्रिवेंट स्किन एंड आई फॉर द ड्राइनेस. ये इसको प्रिवेंट करते हैं. तो जितने भी एंटी एजिंग क्रीम आते हैं सब में विटामिन ए मिलाया जाता है यूज़ किया जाता है. डिफिशेंसी भी मैंने आपके लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि नाइट ब्लाइंडनेस की आपको अंधेरे में नहीं दिखना ये जब चिल्ड्रन में होता है देन इट इज़ नोन एज नाइट ब्लाइंडनेस और अगर एडल्ट में होता है तो इट इज़ नोन एज ज़ीरोप्थैल्मिया. ओके. अदर सोर्स ऑफ विटामिन ए कैरोटीनॉइड्स ये मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. नाउ हम चलते हैं स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन ऑफ द विटामिन ए. हाँ एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि प्रोविटामिन ए क्या होते हैं कि जो कि विटामिन ए में चेंज हो सकते हैं. तो द कंडीशन इज पहले अगर मैं आपको कहूं कि अल्फा बीटा गामा दे आर द कैरोटीन. अल्फा में क्या होता है वन बीटा इन ऑन रिंग एंड वन अल्फा इन ऑन रिंग एट द एंड. बीटा में क्या होता है बोथ एंड बीटा इन ऑन रिंग. एंड गामा में क्या था वन साइड बीटा इन ऑन रिंग एंड अदर साइड ए साइक्लिक सिस्टम. तो होता है क्या कि देखो इसमें भी बीटा इन ऑन रिंग है इसमें भी बीटा इन ऑन रिंग है एंड इसमें भी बीटा इन ऑन रिंग है अल्फा में भी गामा में भी बीटा में भी. ठीक है. तो कैरोटीनॉइड्स विच कंटेन बीटा इनॉन रिंग एक्ट एज ए प्रोविटामिन चाहे वो कैरोटीन हो या ज़ैंथोफिल हो जिसके में भी बीटा इनॉन रिंग रहेगा वो प्रोविटामिन ए होगा चाहे वो कैरोटीन हो चाहे ज़ैंथोफिल हो. क्लियर गाइस. नाउ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन मतलब हमें ये पता करना है कि विटामिन का स्ट्रक्चर एक्चुअली है क्या विटामिन ए का. तो सबसे पहले फर्स्ट इज़ द मास एंड एलिमेंटल एनालिसिस. मास और एलिमेंटल एनालिसिस हमें पता चला कि यहाँ थ्री टाइप्स ऑफ एलिमेंट हैं. द फर्स्ट वन इज़ द कार्बन सेकंड वन इज़ द हाइड्रोजन एंड थर्ड वन इज़ द ऑक्सीजन. उसमें ये तो हो गया आपका एलिमेंटल एनालिसिस कि तीन एलिमेंट हैं और मास क्या है आपका C20H30O. ठीक. पहली चीज़ हमको यहाँ से पता चल गया एलिमेंटल एनालिसिस. अब देखो
अगर यहाँ पे आपको मैंने टर्पिनाइट्स एंड करेटिनाइट्स में बताया था कि एक टर्पिनाइट्स में कितने कार्बन होते हैं, आपके 10, तो यहाँ पे ये कितने हैं, 20 हैं। इसका मतलब कि आपके ये क्या हो जाएगा, डाई टर्पिनाइट्स। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा, डाई टर्पिनाइट्स, बिकॉज यहाँ पे 20 कार्बन है, एक टर्पिनाइट में 10 कार्बन होते हैं, तो देन इट इज डाई टर्पिनाइट। और यू कैन से 4 आइसोप्रीन यूनिट, आइसोप्रीन मीन्स एक आइसोप्रीन यूनिट में कितने कार्बन होते हैं, 5, तो यू कैन से एक आइसोप्रीन में यूनिट में 5 कार्बन, तो इसमें कितने, 20, तो ये 4 आइसोप्रीन यूनिट यू कैन से आर डाई टर्पिनाइट्स। ठीक, तो आपको ये तो पता चल गया कि ये डाई टर्पिनाइट्स है एंड इट कंटेन्स 4 आइसोप्रीन यूनिट। नाउ इसकी डीबी निकालते हैं, डीबी इज x + y, x + 1 - y/2। आप कैसे भी निकालते हो ये आपको बताया गया होगा, लेकिन मैं इस तरह से निकाल रहा हूँ, x = number of carbon, y = number of hydrogen। x + 1, 20 + 1, 20 कार्बन है, +1 - -30 hydrogen है, 2, इट मीन्स डीबी इज इक्वल टू योर 6। ये डीबी डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, आपको पता होगा कि जब भी आप स्ट्रक्चर निकालते हो तो उसमें कि कितने आपके डबल बॉन्ड है, कितनी रिंग है, उसको निकालने के लिए आपको डीबी का यूज़ करना पड़ता है। तो डीबी इंडिकेट्स दैट कि इसके पास 6 आदर डबल बॉन्ड और रिंग, और मिक्सचर ऑफ डबल बॉन्ड और रिंग इज विल बी 6। नाउ सेकेंड चीज़ हमको यहाँ से, एक तो ये पता चल गया इसका फॉर्मूला, इस C20H30O, एंड सेकेंड चीज इज डीबी। ठीक, नाउ नेचर ऑफ ऑक्सीजन हमें पता करना है, किस किस का फॉर्मूला था C20H30O, तब हमें ये पता करना है कि ऑक्सीजन किस नेचर का है। अब देखो, अगर ऑक्सीजन के पता करना है तो ऑक्सीजन या तो आपका एल्कोहल के फॉर्म में हो सकता है, OH के फॉर्म में हो सकता है, एल्डिहाइड या कीटोन के फॉर्म में हो सकता है, ओके, या तो एसिड के फॉर्म में हो सकता है, यही हो सकते हैं। ठीक, तो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं कि एल्कोहल किससे रिएक्ट कर सकता है, एल्डिहाइड कीटोन किससे रिएक्ट कर सकता है। जैसे अगर मुझे, अगर मैं एमीन से रिएक्ट कराता हूँ तो ऑब्वियसली बात है एमीन एल्कोहल से रिएक्ट नहीं करेगा, एसिड से रिएक्ट करेगा, लेकिन कपलिंग पार्टनर इसको चाहिए होगा, जैसे DCC, EDCHCl, बिना कपलिंग पार्टनर के ये डायरेक्ट एमाइड बॉन्ड नहीं बनाता है, ये एमीन से रिएक्ट करके सी बेस बनाएगा। तो कई सारे एक्सपेरिमेंट किए गए इसके लिए। ठीक है, जो फाइनल एक्सपेरिमेंट है जिससे ये रिजल्ट इनको मिला है कि किस नेचर ऑफ द ऑक्सीजन, मैं आप सिर्फ उसको डिस्कस कर रहा हूँ। वेन रिएक्ट विद द पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मीन्स सिंपली यू कैन से एसिड के साथ। ठीक है, नाइट्रो क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो इसकी एसिडिटी को बढ़ाता है। तो आपने वही कि अगर मुझे एसिड से अटैक कराना है, अगर एसिड से रिएक्शन कराना है तो क्यों ना स्ट्रॉन्ग एसिड से कराया जाए। दिस ओनली पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, जब एसिड का रिएक्शन कराया गया विटामिन ए के साथ तो मिला क्या, एस्टर। अब अगर एसिड का रिएक्शन कराया जाए और मिले क्या आपको COOR, तो ये एसिड किसके साथ रिएक्ट करके एस्टर बना सकता है, सिर्फ और सिर्फ किसके साथ, OH के साथ। इट मीन्स कि इट एडिक्वेट दैट विटामिन ए हैज हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, आपका कई सारे एक्सपेरिमेंट क्यों हो गए, मैं सब सारे डिटेल में नहीं जाता हूँ कि किससे क्या मिला क्या नहीं मिला। ठीक, किसकी कुछ और किसी से कुछ मिला भी नहीं था, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको ये बता देता हूँ कि पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड से जब कराया गया तो एस्टर मिला, एंड एस्टर इंडिकेट्स कि विटामिन ए हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ओके, नाउ आपके दो एक्सपेरिमेंट यहाँ से किए गए थे, आपको वहाँ से आपको डीबी पता चला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एलिमेंट एनालिसिस पता चला, और आपको पता चला कि नेचर ऑफ द ऑक्सीजन। नाउ अनसेचुरेशन टेस्ट करते हैं, किसकी आपके पास डीबी कितनी है, डीबी आपकी 6 है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो दैट्स वो आप क्या करोगे, एनालिसिस ऑफ अनसेचुरेशन। अब लैब में आप KMn4 की सिर्फ टेस्ट से और Br2 की टेस्ट से आप ये नहीं कर सकते थे कि आपका वहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड है कि नहीं, वो सिर्फ Br2 का टेस्ट या KMn4 का टेस्ट ये बताता है कि वहाँ पे डबल बॉन्ड है या नहीं। कितने डबल बॉन्ड है उसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजनेशन, मतलब कि एक डबल बॉन्ड है तो कितने हाइड्रोजन को ले सकता है, 2, तभी तो ये बनेगा, ये होगा CH2, ये बन जाएगा CH3, मतलब एक डबल बॉन्ड की कैपेसिटी है 2 हाइड्रोजन लेने की। ठीक है, तो जब विटामिन ए का हाइड्रोजनेशन किया गया, कैटलिटिक हाइड्रोजनेशन, तो वहाँ पे मिला क्या, देखो 30 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे कितना हो गया, 40 हाइड्रोजन। इसका मतलब कि सिंपली है कि कितने आपके हाइड्रोजन यूज़ हुए, 10 हाइड्रोजन यूज होने, मतलब कि 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ हुए। ऑब्वियस ही बात है कि 5 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं तो इसका मतलब वहाँ पे डबल बॉन्ड कितने हो गए, 5, एक डबल बॉन्ड पे 2 हाइड्रोजन,
ऑब्वियसली बात है, एक डबल बॉन्ड पे दो हाइड्रोजन, तो आपके पांच डबल बॉन्ड विटामिन ए में इंडिकेट हुए फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ अनसेचुरेशन। ओके नाउ अब मैं टोटल डीबी की बात करता हूँ, तो अब देखो यहाँ से तो आ गया, अब विटामिन ए का फॉर्मूला क्या था, C20H40O, यहाँ पे क्या फॉर्मूला है, C20S30O, ठीक है, यही तो हुआ था 10। अब अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, सिर्फ विटामिन ए को देखता हूँ, तो मुझे डीबी मिले कितने थे, 6, उसमें से मेरा ये तो पता चल गया 5 डबल बॉन्ड। दूसरा मुझे पता चला कि प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, अभी रिंग की बात नहीं करते। अगर मैं विटामिन ए में देखूँ तो विटामिन ए का फॉर्मूला है C20H40O, अगर मैं इसको हटा दूँ, अभी के लिए मान लो कि मैं हेट्रो एटम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ बात किसकी कर रहा हूँ, कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए। अब कार्बन हाइड्रोजन को देखो किसकी, जब आप देखोगे एल्केन एल्कीन एल्काइन को आप फार्मूला देते हो तो ये तो करते हो, ये क्या हो सकता है, CnH2n हो सकता है, ये 20, ये 2 × 20, तो ये CnH2n इज ऑल्सो अ फार्मूला मोनोसाइक्लिक रिंग या मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। मोनोसाइक्लिक का मतलब हो गया कि वहाँ पे एक ऐसा कोई मोनोसाइक्लिक तरह का कंपाउंड है, तो आपके जो 6 डबल बॉन्ड थे उसमें से ये 6 डीबी थे, उसमें से ये पता चल गया कि आपके 5 डबल बॉन्ड हैं और एक आपकी क्या है, रिंग है, ठीक गाइस। तो आपको तीन चीज़ें यहाँ से पता चली, डीबी, 5 डबल बॉन्ड, 1 रिंग एंड प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल। नाउ फोर्थ एक्सपेरिमेंट इज योर डिग्रेडेशन एक्सपेरिमेंट। डिग्रेडेशन एक्सपेरिमेंट को मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचर में चीज़ें होती हैं वो मिलनी क्या होती हैं, कि किसकी नेचर में कोई भी चीज़ रहेगी ऑक्सीडाइज करेगी, किसकी प्रेजेंस ऑफ एयर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपने देखा होगा कि मेटल भी क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज होकर ओर के फॉर्म में मिलते हैं, जैसे Al2O3 है, ठीक है, तब हम उसको मेटलर्जी के थ्रू प्रोसेस को करके हम प्योर मेटल पाते हैं। उसी तरह से ये नेचुरल प्रोडक्ट हैं, ये क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। मैंने भी आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि जब भी आप एक्सपेरिमेंटल करते हैं नेचुरल प्रोडक्ट के डिटर्मिनेशन के लिए, तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोजनेशन ये सिंपल हाइड्रोलिसिस ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओजोनलिसिस तो हमने क्या किया है, डिग्रेडेशन का मतलब हमको विटामिन को तोड़ना है, तोड़ने के लिए बेस्ट मेथड इज ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में भी वी आर गोइंग फॉर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज द ओजोनलिसिस एंड KNO4, ठीक। तो अब देखो, अभी आप इस देखो, बस आप ये देखो, विटामिन ए को हमने ओजोनोलिसिस किया, ओजोनोलिसिस से हमें मिला क्या, जीरोनिक एसिड। गैस घबराने की बात नहीं है, इसके पहले लिटरेचर में किसकी पहले, इसके पहले विटामिन ए के पहले कैरोटीनाइड्स, कई सारे कैरोटीनाइड्स खोजे जा चुके थे, और उस कैरोटीनाइड्स में आपको पता है कि क्या होता है, जैसे अल्फा कैरोटीन है, बीटा कैरोटीन है, ये सब ऑलरेडी डिस्कस थे, तो उसमें क्या होता है, बीटा इनॉन रिंग होता है, आपको ये पता, तो लिटरेचर में ये चीज़ पहले से रिपोर्ट थी कि अगर आप बीटा इनॉन रिंग कहीं भी होता है और आप उसका ओजोनोलिसिस कराते हो, तो यू विल गेट जीरोनिक एसिड, इट वॉज ऑलरेडी रिपोर्टेड इन द लिटरेचर की इफ यू आर गोइंग टू यू नो ओजोनोलिसिस ऑफ द बीटा इनॉन रिंग देन यू विल गेट जीरोनिक एसिड। तो अब इनको क्या हुआ कि विटामिन ए का भी इन्होंने ओजोनोलिसिस कराया, तो इनको भी क्या मिला, जीरोनिक एसिड। ये इंडिकेट करता है, सिर्फ यहाँ पे आप देखो ये जो रेड से लिखे हुए, ये इंडिकेट करता है कि विटामिन ए के पास भी बीटा इनॉन रिंग होने की पॉसिबिलिटी है, क्लियर गाइस। तो यहाँ से आप देखो, आपका बीटा इनॉन रिंग की अगर मैं बात करूँ, दिस इज द बीटा इनॉन रिंग, अगर मैं आपकी यहाँ पे बात करूँ, आपको पिछली बार जो देखा होगा आपको ये नहीं दिख रहा होगा, बट दिस इज होल, दिस इज द बीटा इनॉन रिंग। अगर मैं इस टोटल की बात करूँ तो यहाँ पे 13 कार्बन एंड 20 हाइड्रोजन है विथ 1 ऑक्सीजन। तो अब आप देखो विटामिन ए कितना है, C20H30O, बीटा इनॉन रिंग अगर उसमें प्रेजेंट है तो इट विल बी C13H20O, तो आपको बचा क्या, C7H10, किसकी, इतना तो बीटा इनॉन रिंग का ही पार्ट है विटामिन ए में, ठीक। अब जब बीटा इनॉन रिंग को कराया गया था ओजोनोलिसिस, तो क्या मिला था, जीरोनिक एसिड। जीरोनिक एसिड को अगर फिर हमने, मैंने कहा था कि आप ओजोनोलिसिस करा रहे हो और KNO4 बहुत आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अगर जीरोनिक एसिड को भी इन्होंने KNO4 से कराया था तो आपको क्या मिला था, एसिटिक एसिड। यहाँ पे भी आपको ये तो पता है कि विटामिन का ओजोनोलिसिस कराया तो सेम मिला जीरोनिक एसिड, इट इंडिकेट्स कि दे हैव अ बीटा इनॉन रिंग, एंड अगर आपने KNO4 से कराया इसका तो आपको फिर से मिला क्या, एसिटिक एसिड। तो ये भी बताता है कि इसमें बीटा इनॉन रिंग तो है, तभी जीरोनिक एसिड बना और एसिटिक एसिड। सेकेंड चीज क्या बताता है वो देख लो आप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि KNO4 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपका ये है टॉलविन, अगर टॉलविन को भी आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, लाइक आपको इस CH3 को COOH बनाना है, तो ये आपको क्या यूज़ करना पड़ता है,
केमिनोफोर ये क्या करता है कि जो भी एलाइलिक पोजीशन मतलब डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाले कार्बन पे, डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन है उसको चेंज किस में कर देता है, ऐसे, ठीक है। तो अगर विटामिन ए ने, केमिनोफोर ने विटामिन ए को इसमें C3COH में एसिड में चेंज किया है, इट मीन्स कि यहाँ पे इस तरह का कोई ना कोई ग्रुप लगा होगा, मीन्स एलाइलिक पोजिशन, डबल बॉन्ड के बाद वाले कार्बन पे CH3 एलाइलिक ग्रुप, ठीक। अब अगर एलाइलिक ग्रुप आपके दिमाग में आता है कि एलाइलिक पोजिशन मतलब डबल बॉन्ड के कार्बन से जस्ट अटैच्ड CH3, ठीक, तो अब आप सोच सकते हो कि आइसोप्रीन यूनिट के बारे में, आइसोप्रीन यूनिट क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन डबल बॉन्ड के जस्ट बाद पे CH3 ग्रुप, ठीक है। तो व्हाट इट इंडिकेट्स कि केमिनोफोर ने ये इंडिकेट कराया कि आपके आइसोप्रीन यूनिट वहाँ पे जुड़े हो सकते हैं, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने आपके CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड के साथ, कितने CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और उनकी पोजीशन क्या क्या है, ठीक, क्लियर। अब देखो जैसे आपने पढ़ा होगा डिल्स एल्डर रिएक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, जैसे ये है, या यू कैन से आपने ये भी पढ़ा होगा इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लाइजेशन। अब देखो अगर कई सारे डबल बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में होते हैं, चाहे इंटर मॉलिक्यूलर या आपने इंट्रा मॉलिक्यूलर डिल्स एल्डर रिएक्शन भी पढ़ा होगा, तो कई सारे जब डबल बॉन्ड होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, वो साइक्लाइज करते हैं। अगर मैं इन्हीं को साइक्लाइज कराऊं तो आप देखोगे तो यही तो बनेगा, ठीक। तो अगर कई सारे डबल बॉन्ड होते हैं तो आपस में क्या करते हैं, साइक्लाइज करते हैं, ठीक। अब साइक्लाइज होने के बाद देख लो ये बॉन्ड यहाँ बना, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो आपके दो डबल बॉन्ड है। तो इन्होंने पता करने के लिए कि कितनी CH3 ग्रुप हैं और उनकी क्या क्या पोजीशन है, विटामिन ए को इन्होंने एसिडिक मीडियम में, इट इज सिंपली HCl, साइक्लाइज कराया। साइक्लाइज कराने पे देखो अगर ये मैं कहूँ तो क्या ये पूरी तरह से कंजुकेटेड है, क्या नहीं है, क्योंकि दो डबल बॉन्ड तो यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिहाइड्रोजनेशन, मतलब अगर हाइड्रोजन निकालते हो तो यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकालते हो तो डबल बॉन्ड, तो इसको डिहाइड्रोजनेशन कह लो या एरोमेटाइजेशन कह लो, ठीक। तो जब इन्होंने इसको साइक्लाइज कराया उसके बाद उसी स्टेप में किसकी, दिस इज द अनस्टेबल स्टेप, उसके बाद उन्होंने इसको डिहाइड्रोजनेशन या यू कैन से एरोमेटाइजेशन कराया, तो उनको मिला 1,6-dimethylnephthalene। 1,6-dimethylnephthalene का मतलब देखना, पहले और छठे पे तो ठीक है लेकिन इनका पोजीशन देखो, 1, 2, 3, 4, 5, पहला कार्बन कहाँ पे है, पहला मिथाइल ग्रुप पहले पोजीशन पे और दूसरा मिथाइल ग्रुप है आपका पांचवे पोजीशन पे। तो यहाँ से इनको ये निकल गया कि एक तो आपके मिथाइल ग्रुप कितने हैं, दो, और उन दोनों की पोजीशन क्या है, 1,5 रिलेशनशिप बिटवीन द टू मिथाइल ग्रुप, क्लियर गाइस। नाउ समरी क्या इंडिकेट करती है, अब टोटल द समरी जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए विटामिन ए के स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए, आपको देख लो एक तो यही था C20H30S30O, एलिमेंटल एनालिसिस से आपको पता चला गया तीन एलिमेंट हैं आपका, मास है C20H30O इतने हैं, DB आपके 6 हैं, इस DB में से प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल आपको पता चल गया, और DB में से 5 डबल बॉन्ड एंड वन रिंग इंडिकेट होता था CNH2N वाले फार्मूले से, ठीक। जब आपने इसको साइक्लाइज कराया, भी जो एक्सप्लेन किया था, इसको साइक्लाइज कराया और एरोमेटाइज कराया, तो आपको यहाँ पे रिलेशनशिप क्या पता चला कि दो मिथाइल ग्रुप हैं, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, 1:5 का है, ठीक। उसके बाद विटामिन ए को जब आपने ओजोनोलिसिस किया तो आपको जीरोनिक एसिड मिला, ठीक है, जो आपको बीटा नॉन रिंग से भी जीरोनिक एसिड मिलता था, दोनों को करने पे केमिनोफोर से एसिटिक एसिड मिलता था, यहाँ पे विटामिन ए को जब आपने केमिनोफोर से कराया था तो आपको क्या मिला था, एसिटिक एसिड। ये क्या इंडिकेट करता था कि वहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के साथ CH3 ग्रुप लगा हुआ है, या यू कैन से वहाँ पे आइसोप्रीन यूनिट है, ठीक। और विटामिन ए को जब आपने पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड से कराया था तो आपको क्या मिला था, एस्टर। इट इंडिकेट्स कि वहाँ पे क्या है आपका, हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक। तो अगर हम इन सबको समराइज करें तो व्हाट वी विल गेट कि हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है जिसमें देखो आपको डबल बॉन्ड कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 डबल बॉन्ड, ठीक। कार्बन जोड़ लो आप, 5 डबल बॉन्ड हो गए और ऊपर से 1 रिंग हो गई आपकी, ठीक है। ये तो आपके हो गए DB, ये आपका अल्कोहल है जो किसी ने एसिड से रिएक्ट करके एस्टर बनाया था, फिनॉल रिएक्ट नहीं करेगा गैस, तो इसका मतलब ये भी था कि ये जब भी रहेगा ये आपका अल्कोहल होगा ना कि फिनॉल होगा, ठीक। यहाँ पे
अब देखो दो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई, DB आपका क्लियर हो गया, प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल क्लियर, DB आपका क्लियर हो गया, 6 प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल क्लियर हो गया, 5 डबल बॉन्ड क्लियर हो गया, आपका ये हो गया। आपको ये इंडिकेट किया कि 1 बीटा इनॉन रिंग है, दिस इज द बीटा इनॉन रिंग, ठीक। अब आपको क्या क्लियर करना था, 1-5 रिलेशन बिटवीन द CH3। अब देखो यहाँ से अगर चलो तो 1 यहाँ पे जहाँ पे CH3 लगा, 1, 2, 3, 4, 5। फिर से देखो अगर दूसरे चलो तो, सॉरी, 1, 2, 3, 4, 5, ये दो मिथाइल के बीच में भी पांचवा पोजीशन है, चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5, कोई सा भी आप मिथाइल उठाओगे, ठीक है, ये दोनों मिथाइल नहीं गाइस, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ से देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक। तो आप कोई सा भी मिथाइल मिथाइल उठा लो, दो मिथाइल के बीच में जो पोजीशन है उनके बीच में 1-5 का रिलेशन है, ठीक है। और बीटा इनॉन रिंग के अलावा सिर्फ दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 20 कार्बन, 30 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ओके। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ विटामिन ए। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ यहाँ से, आपके चार आइसोप्रीन यूनिट जुड़े होंगे, आपको ये पता है, ये मैंने पहले बताया था कि इसकी 20 कार्बन है तो चार आइसोप्रीन। देखो अब आप यहाँ से, ये है आपका, ठीक, ये मैंने आपको ये बना दिया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये बना किसकी, ये वाला इसमें यूज हो जा रहा है, ये इधर आ गया, यहाँ पे भी देखो, ठीक, दो आइसोप्रीन यूनिट। तीसरी, जहां जहां मिथाइल है आप बस वहीं देखते जाओ, तीसरा, ठीक, चौथा, ठीक, ये चार आइसोप्रीन यूनिट, जहां जहां आपको मिथाइल है आइसोप्रीन यूनिट को देखने का यही सबसे अच्छा तरीका है, जब भी आपको निकाल बताया जाए कि क्या लिंकेज है, कितने आइसोप्रीन यूनिट है। आइसोप्रीन यूनिट निकालने के लिए कार्बन को काउंट कर लो, लिंकेज देखना हो तो इस तरह से जहां जहां मिथाइल है आप उस तरह से लिखते जाओ। अब देखो यहां पे इनके बीच में बॉन्ड बनाए, देखो इनके इनके बीच में बॉन्ड बनाए, सॉरी किसके बीच में, ये है इसका, मैंने बताया जिधर ब्रांच साइड होगा उधर हेड होगा, जिधर अनब्रांच होगा उधर टेल होगा, तो देखो बॉन्ड किसके बीच में बनाए, ये इसका टेल वाला पोर्शन है, हेड तो पोर्शन ये था, तो यहाँ से जो बॉन्ड बना है क्या होगा, इसके टेल से बॉन्ड बना है। यहाँ पे अगेन आ जाओ, देखो ये इसका टेल है, अब देखो यहाँ पे जो बॉन्ड बना है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये बॉन्ड बना है, अगेन ये टेल, इसका टेल आ रहा है, ये इसका हेड है, ये बॉन्ड, ये टेल, सॉरी ये हेड है, ये इसका क्या है, टेल है, तो इनके बीच में बॉन्ड, मतलब देख रहे हो कि हमेशा बॉन्ड में कौन सा बन रहा है, हेड टू टेल। गाइस ध्यान से देख लेना, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको एक एक बॉन्ड को नहीं देखना है, आपको इनके बीच में रिलेशनशिप देखना है कि कैसे आइसोप्रीन यूनिट एक दूसरे से लिंक्ड हैं, ठीक। और ऑब्वियस सी बात है, एक चीज़ मैं आपको सिंपली मैं बताना चाहता हूँ, सिंपल बताना चाहता हूँ कि आपको अगर 1-5 का रिलेशनशिप दिखे, ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये दोनों हेड टू हेड ज्वाइन होते तो दोनों ये जो CH3 CH3 इतने दूर नहीं जाते, वो पास पास में रहते, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हेड टू टेल जुड़े हैं, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट द योर स्ट्रक्चरल डिटर्मिनेशन, नाउ द सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। अब देखो सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए के लिए क्या करना है, आपको विटामिन ए की सिंथेसिस की गई थी 1945-49 में, सबसे पहली सिंथेसिस, चार कंपोनेंट को मिला के विटामिन ए की सिंथेसिस की गई थी। पहला था कार्बन 13 का, दूसरा कार्बन 4, कार्बन 1 एंड कार्बन 2, 13, 4, 17, 118, 220, मतलब आपको चार कंपोनेंट लिए गए थे विटामिन ए को सिंथेसाइज करने में। सबसे पहला क्या किया गया, C13+4 को लेके बनाया गया C17। रिफॉर्मेस की रिएक्शन का, ये आपका एनायन की रिएक्शन से एल्डोल कंडेंसेशन के साथ आप पढ़ते होगे इसको, यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनता है। उसके बाद 17 बन जाएगा, 17 के बाद आपने लिया मिथाइल लिथियम CH3Li, ठीक है, मिथाइल लिथियम लिया, यहाँ पे भी आपका CH3 ग्रुप यहाँ से जुड़ेगा तो आपको बन जाएगा कितना, CC बॉन्ड फॉर्मेशन C18। उसके बाद देखो ये पूरा R
M.Sc ग्रिग्नार्ड रीजन को मैंने बताया था कि बेस्ट होता है सीसी बॉन्ड बनाने के लिए। तो यहाँ से दो कार्बन, इस दोनों के कार्बन आएंगे, एक इसके मतलब एल्काइन के दोनों कार्बन, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 20। तो देखा जाए तो आपने यूज़ किया क्या, 13 का जो है वो है आपका बीटा इनॉन रिंग, जिसमें आपको पता है 13 कार्बन होते हैं। चार के लिए जो आपने किया है, आपने किया है एस्टर, ठीक है, कंजुगेटेड एस्टर, CH2 CH डबल बॉन्ड CHCOOET, ब्यूटाइल लिथियम, और ये है ग्रिग्नार्ड रीजेंट। देखा जाए तो यहाँ भी मेटल है, यहाँ भी मेटल है, यहाँ भी मेटल। तो ये सजेस्ट करता है कि जब भी आपको सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन करना हो तो बेस्ट है कि आप क्या करो, ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस, ठीक। ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस, अगर आपको इसका मैकेनिज्म देखना हो तो आप प्रशांत सन की वीडियो को फॉलो कर सकते हो, ठीक। ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस सबसे बेस्ट होते हैं सीसी बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, जिसमें आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, आजकल आपने सुजुकी, हेक, जो भी सारे रिएक्शंस पढ़ रहे हो, दे आर ऑल ऑर्गेनोमेटालिक रिएक्शंस। ना हम यहाँ पे शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। आपको घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा है आपका, सिर्फ कहीं एडिशन रिएक्शन हो रहा है, कहीं हाइड्रोलिसिस, कहीं सब्स्टिट्यूशन, बहुत बड़ी बड़ी रिएक्शंस नहीं हो रही हैं। ना बीटा इनॉन रिंग से हम शुरू करते हैं, इसको बीटा इनॉन रिंग लिया, ठीक। ZnBr को आप जानते होगे कि ये क्या है, लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड का क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे जाके अटैच हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो इनोलेट फॉर्मेशन होता है। ये भी आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में बताया गया होगा, मैं मैकेनिज्म यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, ठीक, क्लियर है। तो यहाँ से क्या होगा, अगेन तब ये रिएक्ट करेगा, यहाँ पे Br निकलेगा तो आपका ये बन जाएगा। देखो यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर लिविंग ग्रुप नहीं लगा होगा तो सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा, तो इसमें सिंपली देयर इज द एडिशन रिएक्शंस, ठीक है। एडिशन रिएक्शन, ये Br यहाँ पे निकलेगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो देख रहे हो आपका यहाँ पे क्या है, ये वाला CH3 ये इस साइड चला गया है, ठीक। ये आपका जब अटैच हो जाएगा तो ये पूरा ग्रुप आपका इस साइड आ गया है और ओ H बन गया, H प्लस गिवेन, ठीक है। तो सिंपली आपको ये पता चल गया कि कहाँ पे ये CH3 यहाँ आ गया, ये आपका OH है, ये विल गेट हाइड्रोक्सी एस्टर, एंड ब्रैकेट का मतलब होता है दिस इज द अनस्टेबल कंपाउंड, तो ये इजिली क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और हाइड्रोलाइज होकर सिम क्या बनाता है, दिस एस्टर विल चेंज इनटू द एसिड, ठीक। नाउ यहाँ पे आपका C17 बन गया, अब आपको क्या करना है, CH3 Li मिथाइल लिथियम, सॉरी CH3 Li से रिएक्ट कराना है। अब देखो CH3 Li भी अगेन क्या करेगा, ये आपका स्ट्रॉन्ग होता है, किसकी, ये देखो आपका स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो ये भी अटैक करेगा, ठीक, आपका इसमें देखो सब चीज़ सेम है, यहाँ पे अगेन अटैक करेगा, ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता है, OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं माना जाता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हो मेटल के साथ तो ये OLi बन के निकल जाता है। तो देखो यहाँ पे ऐड क्या हो रहा है, ये CH3 ऐड हो रहा है जो रेड कलर से है, और ये कार्बोनिल बन जाता है, मतलब आपका LiOH निकल के बाहर हो जाता है। ये अब सोच सकते हो आप कि ये इतना ये यूज़ क्यों किया गया है, कि एक तो आपको CH3 देना था इसलिए अपनों मेटल का यूज़ किया है, ऑर्गेनोमेटालिक चीज़ें इसलिए यूज़ की जाती हैं, ऑर्गेन की पार्ट ये है, मेटल का पार्ट ये है, ठीक है, कि इसकी कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, और ये बहुत अच्छा बेस का भी काम करता है, और देखो दैट्स वे कि ये OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, लेकिन ये इसको निकाल के बाहर कर देता है। तो आपका यहाँ पे क्या ऐड हो गया, CH3। नाउ अब आप क्या ऐड करने जा रहे हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब एक चीज़ ध्यान देना गाइस, कि यहाँ पे क्या है, ये OH है, ठीक, यहाँ पे OH है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर लोन बॉन्ड है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा, इसमें दो चीज़ एक साथ होंगे, एक तो क्या होगा, ये हो सकता है क्या, ये यहाँ जाए और OH निकल जाए, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ सकता है, ठीक। तो इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन। तो एक तो डिहाइड्रेशन, उस पे से कार्बोनिल ग्रुप पे इसका जुड़ना। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ से कंफ्यूज मत होना, कि यहाँ तक जहाँ पे आपका ये है, ठीक है, ये जो ब्लैक में है, ब्लैक के पास डबल बॉन्ड के बाद यहाँ पे OH लगा था, यहाँ पे आपके इस डबल बॉन्ड ब्लैक के बाद भी आपका CH3 के ऊपर क्या गया, डबल बॉन्ड, इसका मतलब कि ये OH डिहाइड्रेटेड होकर डबल बॉन्ड बना लिया। ये तो हो गया पहला वाला स्टेप, ठीक। उसके बाद अब आपका होगा ग्रिग्नार्ड रीजेंट का रिएक्शन। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी क्या करता है, सिंपली ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ये यहाँ से अटैक करेगा, और इस कार्बोनिल कंपाउंड में अगेन एडिशन रिएक्शन होगा, किसकी, कार्बोनिल कंपाउंड है, तो ये OH में चेंज हो जाएगा। देखो कार्बोनिल कंपाउंड जो आएगा ये यहाँ पे, ये OH हो जाएगा, ये CH3 रहेगा ही रहेगा, और इसके साथ ये वाला ग्रिग्नार्ड रीजेंट ऐड हो जाएगा। तो देखना डबल बॉन्ड के बाद ये CH3, ये वाला,
ये OH में चेंज हो गया और ये पूरा इसके साथ अटैच हो गया, क्लियर। नाउ उसके बाद आपको क्या करना है, रिडक्शन, ठीक है ना, रिडक्शन। और सबसे इम्पोर्टेंट रिडक्शन क्या, लिंडलर कैटालिसिस। लिंडलर कैटालिस मतलब क्या होता है, पैलेडियम इन बेरियम सल्फेट। मैंने आपको बताया था अगर आपको सिस एल्किन करना है तो आपको ये स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, सेलेक्टिव नहीं, स्पेसिफिक। ये सिर्फ और सिर्फ सिस ही देगा, ट्रांस एल्किन नहीं देगा। अगर आपको ट्रांस एल्किन बनाना है तो आपको बताया था कि सोडियम इन लिक्विड अमोनिया आपको यूज़ करना पड़ेगा, ठीक। तो ये लिंडलर कैटालिस्ट यूज़ किया है कि इट विल कन्वर्ट दिस ट्रिपल बॉन्ड इनटू द सिस एल्किन। एंड अगेन ये आपको देख रहे हो एक तरह से ROR ईथर है, इट इज़ वेरी अनस्टेबल कंपाउंड। इसको ये सिंपली हाइड्रोलाइज होकर अपने आप ये किस में बदल जाता है, सब चीज़ सेम है, ठीक है, हाइड्रोलाइज होके अपने आप। देखो यहाँ पे अगेन आपके डबल बॉन्ड हो जाएंगे और ये हाइड्रोलाइज होके चेंज हो जाएगा किस में, एल्डिहाइड में। और एल्डिहाइड को अगर आप रिड्यूस करोगे, ये टर्शियरी अल्कोहल भी आपका डिहाइड्रेट करके निकल जाता है गाइस, ठीक है, ये पूरा चेंज हो जाएगा। देखना, ध्यान देना, आपको घबराने वाली बात है, ये पूरा चेंज हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड के साथ ये चेंज हो जाएगा आपके इस एल्डिहाइड में। और ये CH3, जो ये CH3 है वो आपका ये है और ये OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे ये एल्डिहाइड में चेंज होगा। तो इसमें घबराना नहीं कि ये OH कहाँ गया, OH डिहाइड्रेशन में चला गया, ये CH3 SH है और ये पूरा डबल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। नाउ आप इसको LiLH4 से रिड्यूसिंग एजेंट कर दोगे तो आपको मिल जाएगा क्या, एल्कोहल। एल्डिहाइड विल चेंज टू द एल्कोहल इज द रिडक्शन प्रोसेस। दिस इज ऑल अबाउट द योर सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। पहले आपने सिंपली आपने इनको जोड़ा, 17 मिला, हाइड्रोलाइज हुआ, हाइड्रोलाइज के बाद आपका मेथाइलिथियम से CH3 ग्रुप जोड़ा, CH3 ग्रुप से आपने डिहाइड्रेशन करके यहाँ पे डबल बॉन्ड लाया और आपने ग्रिग्नार्ड एजेंट को ऐड किया, उसके बाद आपने लिंडलर कैटालिस से सिस एल्किन बनाया, सिस एल्किन को हाइड्रोलाइज करके आपने एल्डिहाइड बनाया, एल्डिहाइड को आपने रिड्यूस किया तो आपको मिला विटामिन ए। नाउ द लास्ट टॉपिक इज द केमिस्ट्री ऑफ विजन। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स वाले इसका आंसर अलग तरीके से देते हैं, केमिस्ट्री वाले अलग तरीके से एंड बायोलॉजी वाले अलग तरीके से। ये कई इंटरव्यूज में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है, फिजिक्स वाले इसको बताते हैं कि आपकी लाइट यहाँ पड़ेगी तो विजन कॉन्वेक्स कॉन्केव क्या पड़ेगा। आई एम नॉट गुड इन फिजिक्स, तो उसके अकॉर्डिंग इमेज बदलती है। रोड सेल कौन सेल का कॉन्सेप्ट आपके और एंजाइम का कॉन्सेप्ट बायोलॉजी वाले देते हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाले क्या आंसर देंगे, आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर। नाउ आपके आइज में एक कौन सेल होता है, एक आपका होता है रॉड सेल, ठीक है। कौन सेल की क्या होता है कि ये कलर विजन इन ब्राइट लाइट करता है, और रॉड सेल का क्या होता है, कलर विजन इन डिम लाइट। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी कमी से, जो मैंने बोला था नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोप्थैल्मिया, किसकी नाइट में रोशनी कम होती है, तो अगर आपकी आपको रात में नहीं दिखता तो लोग कहते हैं आपके अंदर विटामिन ए की कमी है। इसकी विटामिन ए अब कैसे रिस्पॉन्सिबल है, वी विल डिस्कस इस हियर। ये क्लियर हो गया कि कौन सेल ब्राइट लाइट वो सबको दिख रही है, प्रॉब्लम कहाँ की है, जो आपको डिम लाइट में ना दिखे या अंधेरे में ना दिखे, दिस इज द रॉड सेल, ठीक। क्वेश्चन से भी पूछा जाता है कि रॉड सेल कौन सेल किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड द रॉड सेल विटामिन ए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि रॉड सेल में विटामिन ए इज ऑक्सीडाइज इन टू द रेटिनॉल। यहाँ पे देखो क्या नाम है, अब आपको सुन में आगा कि रेटिनॉल मैंने क्यों बोला था, क्योंकि उसमें हाइड्रोक्सी था, अब ये चेंज किस में जाएगा, रेटिनल में, अलमिस एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा। अब पहली चीज़ तो ये होती है, दूसरा क्या होता है, ट्रांस डबल बॉन्ड एट पोजीशन 11, वो मैं बताऊंगा कौन सा पोजीशन है, इज आइसोमराइज इनटू द सिस डबल बॉन्ड। दो केमिस्ट्री होती है, पहला क्या होता है, विटामिन ए ऑक्सीडाइज होगा, किसकी, अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाओगे तो ऑक्सीडेशन ही होगा, और दूसरा ट्रांस डबल बॉन्ड एट पोजीशन 11 इज चेंज इनटू द सिस, ठीक। अब यहाँ से देखते हैं केमिस्ट्री, ये देख लो आपका, यहाँ से अगर मैं शुरू करूँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, मतलब आपको किस कार्बन को सिस बनाना है या बनता है, बनाना क्या है, वो बनता ही है रॉड सेल में, ये बन जाएगा 11 वाला कार्बन इनटू द सिस, ठीक। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, किसके आपकी आँखों में हो रहा है, तो सिर्फ एंजाइम ही बॉडी में काम करता है, तो रेटिनॉल डिहाइड्रोजिनेस कन्वर्ट एल्कोहल इनटू द एल्डिहाइड। तो ये पहले रेटिनॉल था, अब ये क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। पहली केमिस्ट्री आपकी होगी जो रिएक्शंस चेंज होते हैं केमिस्ट्री वाइज, ठीक ना। अब रेटिनल आइसोमराइज, ऑब्वियसली बात है आइसोमराइज करेगा, आइसोमराइज पोजीशन 11, देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड किस में था, ट्रांस में था, अब यहाँ पे ये किस में चेंज हो गया, सिस में। ये हुआ क्यों है, किसकी, आपका एक प्रोटीन होता है ऑप्सिन प्रोटीन, इस ऑप्सिन प्रोटीन में 216 पोजीशन पे, किसकी प्रोटीन है तो बना होगा अमीनो एसिड से। यहाँ पे मैं बता देता हूँ,
ऑप्सिन प्रोटीन है, बना होता है अमीनो एसिड से। इसके 216 पोजीशन पे एक अमीनो एसिड से जुड़ा होता है लाइसिन। लाइसिन आपको पता है कि बेसिक अमीनो एसिड है, बेसिक मतलब उसमें दो NH2 ग्रुप लगे रहते हैं। तो ये NH2 ग्रुप, अब आपको देखना है यही NH2 ग्रुप क्या करता है कि जैसे ही ये एल्डिहाइड बनता है, ये एल्डिहाइड के साथ बना लेता है शिफ्ट बेस। आपको पता ही है सी डबल बॉन्ड N, ठीक है। तो अब ये, और ये तभी बना सकता है कि जब ये सिस में रहे, किसकी ट्रांस में था, तो ट्रांस में ये नहीं बना पाएगा, ठीक है। किसकी, इसकी ज्योमेट्री और सिमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरफ से अटैक कर रहा है, क्या कर रहा है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो इसको कहने मतलब कि इसको सिप बेस बनाने के लिए सी डबल बॉन्ड एंड, यहाँ पे देखो आपका ये था, ठीक, इस NH2 ऑप्शन ने अटैक किया या रिएक्ट किया, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पे भी आप देख सकते हो, सिंपल केमिस्ट्री है, तो यू विल गेट दिस वन। आपका ये सिप बेस बन गया, यही सिप बेस, इसको रोडोप्सिन बोलते हैं, ऑप्शन फ्रॉम द दिस पार्ट, एंड ये क्या था, रॉड सेल में हो रही है, तो इसको बोलते हैं रोडोप्सिन। और यही होता है लाइट एब्जॉर्बिंग एजेंट। अगर ये नहीं रहेगा आपके बॉडी में या आपके आइज में, तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, यही लाइट ऑब्जॉर्ब करता है। अगर लाइट जब तक ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा, तब तक वो इमिट नहीं करेगा या ट्रांसमिट नहीं करेगा, तब तक आपको कोई चीज़ दिखेगी नहीं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका रोडोप्सिन का होना। तो ये पूरे, जब ये ऑप्शन से रिएक्ट कर जाता है ये विटामिन ए या यू कैन से रेटिनल, तो ये होता है रोडोप्सिन एंड दिस इज द लाइट ऑब्जॉर्बिंग सब्सटेंस, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, यस, उसके बाद जब भी इस पर विजिबल लाइट पड़ती है, इस रोडोप्सिन पे जब भी विजिबल लाइट चेंज पड़ती है, तो बस सब चीज़ सेम होता है। सिर्फ अब क्या होता है कि जो ट्रांस में सिस में था वो किस में बदल जाता है, ट्रांस में। यही एक केमिस्ट्री होती है। तो सिंपली आपको देखो ये सारी चीज़ें हुई क्यों थी, इसमें सिर्फ इसको जोड़ने के लिए कि ये एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड के साथ भी तो किसकी, ये तो रिएक्ट किया था एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड के साथ तो ट्रांस वाले पोजीशन में भी एक्टिवेट रिएक्ट कर सकता था, लेकिन नहीं किया। ये तभी रिएक्ट करता है जब एक तो ये एल्डिहाइड हो, ऊपर से ये सिस बने। तो सारी केमिस्ट्री सिर्फ हो ही किसके लिए रही है, इसको सिस बनाने के लिए। सिस बनते ही लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस बनता है, जैसे लाइट पड़ती है ये तुरंत इसमें किस में चेंज होता है, ट्रांस में। यही आपको देखने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जब तक नहीं बनेगा तब तक आपको दिखाई नहीं देता, या सॉरी यू कैन से कि ये जब तक नहीं बनता, कि ये लाइट ऑब्जॉर्बिंग सिस्टम नहीं बनता, तब तक चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। अब जैसे ये ट्रांस में बनता है, ठीक, अब देखना कि ये तभी अटैच हो रहा था जब ये सिस में था, ये पूरी मॉलिक्यूल सिस में थी, लेकिन जैसे ये लाइट ऑब्जॉर्ब होने के बाद ये ट्रांस में बनता है, इसका कोऑर्डिनेशन कह सकते हो, बॉन्डिंग इसकी वीक हो जाती है, ठीक। तो ये बॉन्डिंग वीक होते ही ये तुरंत फिर क्या हो जाता है, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मतलब कि ये वहाँ से निकल जाता है, तो फिर से आपको वही रेटिनल मिल जाता है जो कि था। तो ये साइकिल कंटिन्यू फिर चलती रहती है। व्हाट माय पॉइंट, सब ये साइकिल कंटिन्यू आपकी चलती रहती है कि सबसे पहले क्या होना है, एल्कोहल विल चेंज इनटू द एल्डिहाइड, रेटिनल में चेंज हुआ ये रेटिनल, फिर आइसोमरेज की हेल्प से ये बनेगा कि आपका सिस में, ये सिस बनते ही ये ऑप्सिन अमीनो एसिड, सॉरी ऑप्सिन प्रोटीन को, ऑप्सिन प्रोटीन में लाइसिन अमीनो एसिड्स को के साथ सिप बेस बना लिया जाता है, एंड ये सिप बेस बनते ही ये आपका हो जाता है रोडोप्सिन, विच इज़ द लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस। एंड ये लाइट एब्जॉर्बिंग सब्सटेंस जैसे विजिबल लाइट इस पर पड़ती है, ये चेंज हो जाता है ट्रांस में। तो ये दोनों स्टेप हैं, यही स्टेप मिड लाइट में या कम धीमी लाइट में या अंधेरे में देखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। जैसे ही ये लाइट ऑब्जॉर्ब करने के बाद चीज़ें होती हैं, ये ट्रांस में चेंज होता था, और ट्रांस में चेंज होने के बाद इसकी सिमेट्री, इस प्रोटीन की सिमेट्री दोबारा से वीक हो जाती है, इंट्रैक्शन वीक हो जाता है, एंड ब्लीचिंग प्रोसेस या यू कैन से हाइड्रोलिसिस के बाद ये अगेन, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी हुआ है आपका, ये क्या है 11Z है, जेड का मतलब ऑब्वियसली बात है सिस, यहाँ पे 11E रेटिनॉल बन गया, एंड रेटिनल, और अगेन फिर से यही साइकिल चलती रहती है, ठीक है। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट योर विटामिन ए, आपने अकरेंस पढ़ लिया, स्ट्रक्चर यूटिलाइजेशन पढ़ लिया, आपने इसकी सिंथेसिस पढ़ ली, एंड आपने इसका केमिस्ट्री ऑफ विजन पढ़ लिया, ठीक है। आई होप कि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, एंड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द विटामिन डी ई के, देखते हैं क्या क्या मैं कवर कर पाता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच गाइस।